हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि राष्ट्रीय मेंस का मेरिट परीक्षा 3 नवंबर को और इसके जो फॉर्म है वो 20 सितंबर तक भरे जाएंगे। तो चलिए हम इस कंप्लीट न्यूज़ को देखते हैं। तो यहाँ पर हम एमपी एजुकेशन पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। यहाँ पर हमने न्यूज़ सेक्शन जो इसे ओपन करके रखा है, तो सिंपली हमें इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा 3 नवंबर को 20 सितंबर तक भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा राष्ट्रीय मेंस का मेरिट NMMS छात्रवृत्ति 2019-20 परीक्षा 3 नवंबर को होगी। इसके लिए छात्र छात्राएं 20 सितंबर तक ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। पहले परीक्षाओं भरने की अंतिम तारीख 8 सितंबर थी, लेकिन फॉर्म भरने और जमा होने में देरी होने के चलते इसकी तारीख बढ़ाई गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने दोनों ही परीक्षाओं के आवेदन के लिए एमपी ऑनलाइन के पोर्टल www.mponline.gov.in के माध्यम से विद्यार्थियों को निःशुल्क आवेदन की सुविधा दी गई है। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर छात्र व उनके अभिभावक एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर संपर्क कर छात्रवृत्ति योजना के लिए फॉर्म जमा कर सकते हैं। स्कूल के लिए प्राचार्य एवं संकुल प्राचार्य द्वारा प्रमाणीकृत, यहाँ से हम देख सकते हैं, प्रपत्रों के आधार पर विद्यार्थी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क से निःशुल्क ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। राष्ट्रीय मेंस का मेरिट छात्रवृत्ति के तहत चयनित विद्यार्थी को कक्षा 9वीं से 12वीं तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। तो दोस्तों, ये तो थी इसकी न्यूज़। अब हम चलते हैं इसकी, हम ऑनलाइन फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए फिर हमें एमपी ऑनलाइन पर विजिट करना होगा। तो सिंपली हमें अपने ब्राउज़र पर टाइप करना है एमपी ऑनलाइन और सिंपली हमें इंटर बटन प्रेस करना है। इसके बाद हमें ये एमपी ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसे विजिट करना है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ से हमें जाना आवेदन पर, इसके बाद हमें नीचे जाना है यहाँ से, और हमें आरएस के सर्च करना है यहाँ से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर राज्य शिक्षा केंद्र, तो हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं यहाँ से और हम यहाँ पर देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र, यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। देखिए, यहाँ पर क्लिक करने से पहले हमें जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म है मीन्स का मेरिट का, उसे हम देख सकते हैं यहाँ से। इस तरीके का फॉर्म होगा, तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म को संकुल से वेरीफाई करवाना कंप्लीट फिल करके। तो यहाँ पर हमें स्टूडेंट का फोटोज और स्टूडेंट का नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, समग्र आईडी, बैंक डिटेल्स वगैरह, ये सारा फॉर्म हमें संकुल प्राचार्य से यहाँ से हम देख सकते हैं वेरीफाई करवाना है, और प्राचार्य से भी हमें वेरीफाई करवाना है। इसके बाद ही हम अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसे डाउनलोड कर लें और इसे अच्छे से रीड कर ले, तो सारे बातें जो भी क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर देखिए, जो स्टूडेंट है उसका जो ग्रेड है वो 8वीं में कम से कम सी ग्रेड या ABC होना चाहिए। इसके अलावा जो उसका अभिभावक या वार्षिक आय है वो 1.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। तो इस तरीके का फॉर्म है, तो ये मीन्स का मेरिट का फॉर्म है। इसके अलावा ये जो फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसका जो फॉर्म है तो इस तरीके का फॉर्म है, तो इसे भी हमें फिलअप करना है। तो अगर हम चाहें तो इस फॉर्म को फिलअप कर लें, और इसमें भी वही सारी कंडीशंस हैं। इसके बाद हमें इस फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, तो देखिए यहाँ से हमें जाना RSK पर, हम आ चुके हैं। यहाँ से जाना हमें सेवाएं पर, अगर हम इसे डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम चलते सेवाएं पर, और देखिए राज्य राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म, तो इसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा और यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट के लिए आवेदन फॉर्म, तो उसके लिए हमें यहाँ पर जाना होगा और यहाँ पर हमें क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके का पॉपअप विंडो ओपन होगा, और यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो छात्र द्वारा संकुल प्राचार्य से आवेदन सत्यापित करने के उपरांत ही कियोस्क द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। संकुल प्राचार्य के सत्यापन के बिना फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा। फिर छात्र एवं कियोस्क संचालक
NMMS परीक्षा की नियम पुस्तिका एवं दिए गए दिशा निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ें। कियोस्क संचालक छात्र के समस्त दस्तावेज स्पष्ट स्कैन कर ऑनलाइन अटैच करें। यह आवेदन पूर्णतः निःशुल्क है, अतः कियोस्क संचालक द्वारा किसी प्रकार से कोई शुल्क ना लिया जाए। कियोस्क संचालकों को आवेदन का शुल्क एमपी ऑनलाइन द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा कियोस्क संचालक द्वारा यदि किसी आवेदक से शुल्क लिया जाता है तो कियोस्क संचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यदि संकुल प्राचार्य के अग्रेषित किए बिना कोई भी फॉर्म भरा जाता है तो संबंधित कियोस्क की आईडी बंद कर दी जाएगी। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया था, संकुल प्राचार्य से वेरीफाई करवाना बहुत जरूरी। फिर इसके बाद हमें कंटिन्यू करना और हम अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।